क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर के प्रबंधन पर जिला के एक वृद्ध ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। पत्नी के उपचार के लिए अस्पताल में आए वृद्ध ने अस्पताल प्रबंधन पर उनके 4 दिन में 3 बार कमरे बदलवाने और दुर्व्यवहार का आरोप लगाए हैं। वृद्ध का आरोप है कि अस्पताल में बेड खाली होने के बावजूद सर्दी में उसे फर्श पर सोने के लिए कहा गया, इस कारण उसे और उसकी पत्नी को भेद परेशानी झेलनी पड़ी है। वृद्ध के अनुसार पिछले एक सप्ताह से मरीज को बिना वजह परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत सीएमओ से भी की गई है। जानकारी के अनुसार अमरो के रामकृष्ण डोगरा का कहना है कि वे अपनी पत्नी चंचल देवी के उपचार के लिए अस्पताल में आए हुए हैं। अस्पताल में उसकी पत्नी को 303 कमरे में दाखिल किया गया है। बाद में उन्हें सीनियर सिटीजन के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 24 दिसंबर को फिर से 303 नंबर कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, जहां रात को 11:30 बजे वृद्ध एक खाली बेड पर सोया हुआ था। तभी अस्पताल की नर्स ने आकर उन्हें उठाया और नीचे फर्श पर सोने के लिए कहा। हालांकि उस रात वार्ड में 13 बेड खाली थे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन के उच्च अधिकारियों से मामले की छानबीन करके कार्रवाई की मांग की है। फौज की ड्यूटी आई और उसने जो है वो फिर हमें रात को 11:30 बजे उठाया और उन्होंने बोला कि ये कमरा जो इस कमरे को इस बेड को छोड़ दो, आप इस बेड से जो है वो आपको अटेंडेंट है, अटेंडेंट के लिए बिस्तर नहीं है। मैंने बोला खाली पड़े हैं पूरे बेड और आपने देखना कि अभी भी कुछ आदमी जो और आगे हैं, उस दिन 13 बेड खाली थे। फिर जो हमने बोला कि आप नीचे, उस मैडम ने बोला कि आप जो आप वो नीचे सो, और उस मैडम ने बोला कि आप इसको जो बाहर कर दो, बाहर वाले कमरे जहाँ पर अटेंडेंट होते हैं। जो वो उन्होंने मैडम ने दुष्व्यवहार किया और जो उनके जो वो सिक्योरिटी वाले पर्सन है उसने भी बोला कि आप जो अब नीचे सो। मैंने बोला मैं नहीं सोता हूँ, आप जो करना है कर लो। गौरतलब है कि क्षेत्रीय अस्पताल हमीरपुर में सीनियर सिटीजन वार्ड की दीवारों में सीलन के कारण बदबू फैली हुई है। वार्ड में दाखिल होने वाले मरीजों को बदबू के कारण परेशानी झेलनी पड़ती है। दीवारों में सीलन के कारण कमरे में अधिक ठंड रहती है, इस कारण सीनियर सिटीजन को परेशानी भी झेलनी पड़ती है। कमरे में बदबू और दीवारों में सीलन होने के कारण लोगों ने अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली के प्रति रोष व्यक्त किया है। लोगों ने अस्पताल प्रबंधन से वार्ड की मरम्मत करवाने व सफाई बनाए रखने की भी मांग की है।